आप नौकरी हो या आप पब्लिक हो, आप मिट्टी से दौड़ना नहीं है। मिट्टी आपको कहेगा, बाद में आपको मिट्टी ही कहेगा। हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं मेरा खेती जा रहा हूँ। खेती मेरा यहाँ समय हो गया पानी खेती करने का, तो आज मैं पानी खेती करने जा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा। मेरा खेती मेरा यहाँ के लिए बहुत बड़ा है, तो उस पर गाड़ी भी अच्छा से नहीं घुसता है। तो छोटा सा मैंने रोटोरी टेलर लेके रखा है, तो उसी से मैं कोशिश करूँगा, लेकिन वो भी अच्छा से नहीं जाता है, तो उसको बहुत कठिनाई पेश करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप सभी को मैं इस बार के खेती का ब्लॉग को निकालने के लिए दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। तो आप इतमान से मेरा वीडियो पे फोकस कीजिएगा, स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं खेती पे। फाइनली दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूँ खेती पे। ये है मेरा खेती का इलाका। यहाँ पे दुनिया भर का खेती में खेती करता है मेरा बस्ती का तरफ से और मौसिंग बस्ती का तरफ से, दोनों बस्ती यहाँ मिलजुल करके करता है। लेकिन जनरली यहाँ जनबो बस्ती का लोग ज़्यादा है। तो ये एरिया जो बहुत बड़ा है दोस्तों, एक झलक आपको मैं दिखाता हूँ। उस पर जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ पालिंग है, वो देखिएगा। ये पालिंग है इस जगह में। तो आज के बाद मेरा खेती शुरू दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, हमारे यहाँ में देखिए बहुत मुसीबत है, यानी कि मेरा खेती में दलदल है, बाकी सारा खेती अलग है, मेरा खेती में इतना कीचड़ है, तो इसीलिए यहाँ गाड़ी भी नहीं घुसता है। तो जो बोरा कबूता होता है पावर टेलर जो, उसको हम नहीं लिया था, तो इसीलिए ये छोटा रोटरी टेलर बोलता है, इसको हम लिया था रोटरी टेलर को। तो इसमें भी बहुत दिक्कत हो रहा है, जैसे कि आपने देख रहे, एक आदमी तानना पड़ रहा है और पीछे से मैं उसको गाड़ी को ऑपरेट करना पड़ रहा है, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, खेती करना आसान नहीं है, खासकर मेरा जैसा खेती। तो अभी जून में महीने की 24 तारीख है, तो देखिएगा आज संडे है, तो धूप भी ऊपर से निकल रहा है, इतना धूप का गर्म भी है और खेती भी करना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे यहाँ खेती तो करना ही पड़ेगा, खेती का बिना हमारे यहाँ रीति रिवाज नहीं चलता है, इसी के अनुसार रीति रिवाज चलता है। जैसे कि आपको मालूम है हमारे यहाँ के लोग। ये मेरा मामा और वो मेरा भैया, दोनों हमको आज मदद करने आया है, क्योंकि मैं पीछे रह गया और उन लोग का खेती को खत्म कर चुका है। तो भाईचारे को कायम करने के लिए, मामा बंजा का रिलेशन को कायम रखने के लिए उन लोग आया हुआ है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ में ऐसा चलता है, जिसका पहले ख़त्म हो जाएगा तो जिसका ख़त्म नहीं हुआ है उसको मदद करने आता है। तो ये है मेरा भैया हो गया, ये देखिए स्पेड चला रहा है, तो ये लेवलिंग मिला रहा है, यानी कि ऊपर आप है तो ये डाउन जगह में उसको फेंक रहा है। तो ये मेरा भैया, तो भैया आपका खेती खत्म हो गया क्या? तो आज यहाँ मदद करने के लिए आए, मदद करने के लिए ना, क्योंकि हमारे यहाँ में नियम चलता है, जैसे अपना खत्म होगा तो पड़ोसी या अपना
रिश्तेदार को मदद करने आता है ना। हाँ, ऐसे होता है। और रात दिन रात को सोता ही नहीं है वो, उसका खेती में नहीं जाने से कूद ये होना मैंने अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है, सोचते रहता है। अच्छा। इसीलिए मतलब उपाय नहीं है, हर कोई आज आपका सीट नहीं है और कोई खत्म नहीं होने से और दूसरा भी फिर कल भी जाएंगे। हाँ। कल भी जाएंगे ना। कल भी जाएंगे। अच्छा, ऐसे करके तो हम लोग का मतलब गरीब का ये रिश्ता बढ़ जाता है। हाँ, सब गरीब है। हाँ। तो अमीर होने से अलग बात, लेबर लेके आना था ना। हाँ। सब गरीब है। ये अभी इस साल हम जल्दी किया है लेकिन अगले साल में हम नहीं हो सकता है। अच्छा, तब मैं आपको मदद करने आएंगे। मदद करना पड़ेगा, बात सही है। तो थैंक यू भैया आज मदद करने के लिए ना। थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाय बाय। वीडियो में एक बार आगे कुछ नहीं आई, देखिए हम सब जिसकी का काम करता है, ये धोती माँ को प्यार करना है। ये इतना हम लोग को प्यार करता है कि इसका ऊपर हम लोग मिट्टी को जिसकी गाली नहीं देता है, इसको ऊपर हम लोग खाता है टूट पेक के अपनी भी गाली नहीं देता है। इसीलिए आप लोग सब खेती करना है और सबको जितना नौकरी हो या जो भी हो वो सब खेती करना चाहिए। लास्ट में आप मिट्टी आपको खाएगा। ये है धरती माँ, ये भारत दे हिंद। दोस्तों मेरा भैया लोग बोल रहे ये खेती बहुत खराब है, बोल रहे दलदल ज्यादा है, कीचड़ ज्यादा है, गाड़ी भी घुसता नहीं देता है। ये देखिए ये यहाँ पे गाड़ी नहीं घुस पाता है, इतना कीचड़ ज्यादा है। तो मैं भी पूछूं, तकरीबन मैं 17 days ऐसा हो गया ये खेती को करने का बाद, लगभग 9,000 square meter का है मेरा ये खेती जो एज पर द लैंड डिपार्टमेंट। और मैं LPC भी किया हूँ मेरा इस खेती को, तो इसीलिए ये खेती इतना बड़ा है। तो तकरीबन आज में 17 days हो गया। ये देखिए, इसको देखिए आप, आज मैं मेरा बाड़ी का ये मैं खेती में आया हूँ और मदद करने के लिए बाड़ी का यूट्यूब में पहले बार आपका सामने मैं आ रहा हूँ। हो सके तो आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप नौकरी हो या आप पब्लिक हो, आप मिट्टी से दौड़ना नहीं है, मिट्टी आपको खाएगा, बाद में आपको मिट्टी ही खाएगा। इसीलिए हम देखिए मिट्टी में लड़ाई चल रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हे हर मरता बन रही है, साथ में देखिए खेती से ना दौड़े, मिट्टी से ना दौड़े आप, लास्ट में आप भी मिट्टी में आ जाएंगे, मिट्टी आपको खाएंगे। आज हम लोग खत्म होने जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। ये दोनों दान लगा रहा है, ये देखिएगा इतना गर्मी है, गर्मी होने का बावजूद भी दान लगा रहा है। दान नहीं लगाएगा तो काने नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ में टोटली एग्रीकल्चर से डिपेंड करता है, तो एक्चुअली CPO चावल नहीं खाता है,
इसीलिए हमको लोकल चावल चाहिए, तो इसीलिए हमको करना ही होगा, तो इसीलिए ये दोनों अभी दान लगा रहे हैं। तो आज मेरा खेती जो खत्म है, तो आज के बाद मैं भी चले जाऊंगा अपना घर के लिए। दोस्तों देखिएगा, ये दोनों आंटी जो ये कर रहा है, दान लगा रही है, और एक जो मेरा मामा का बीबी है, और ये जो देख रहा है तप्पी वाली, हमेशा मैंने इसको आंटी कहा है, लेकिन मेरा व्यूअर्स और मेरा सब्सक्राइबर लोग हमें हमेशा कमेंट करता है कि आप क्यों अपने बीबी को आंटी बोलती है। तो दोस्तों एक्चुअली मैं अपना बीबी को इसलिए आंटी बोलती है आंटी बोलता है क्योंकि मैं मजाक से आप लोग को बता रहा हूँ, ऐसा कोई मेरा पास कोई निगेटिव सेंस से नहीं है, तो मजाक के लिए आप सभी को हंसाने के लिए मैं जो हमको जानता है तो उसी के लिए मैंने इसको बनाया है आंटी बोल रहा है। लेकिन आज मैं बताता हूँ, ये है मेरा श्रीदेवी, ये है मेरा वाइफ, तो यही है मेरा लाइफ पार्टनर। तो दोस्तों जैसे कि आपने देख चुका है हमारे यहाँ में कैसा करके खेती करता है खासकर बस्ती का इलाका में, तो मेरा गुजारिश आप सभी से ये रहेगा कि आप यदि मेरा इस ब्लॉग को देखेंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। हालांकि मैंने पहले दो ब्लॉग डाल चुका हूँ मेरा यहाँ का खेती का बारे में, मगर आज मैं फिर से आप सभी के बीच में ये ब्लॉग को लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज मैं यही समाप्त करना चाहूंगा अपने ब्लॉग को, तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग पर। थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल।